कौन कौन सी एक्ट्रेस फिट रहेंगी राधे श्याम में मीराबाई का रोल करने के लिए ऑपोजिट पूजा हेगड़े? क्यों दोनों एक्ट्रेसेस के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत मायने रखती है? जानने इन सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूँ आपका स्वागत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप ही वो सबसे पहले जान पाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से आज का ये मजेदार वीडियो। फिर से हम हमारे राधे श्याम वीडियो में मीराबाई की कास्टिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हैं क्योंकि अब तक फिल्म के बारे में हमें इतना ही पता है कि फिल्म टी सीरीज प्रोड्यूस करने वाली है और फिल्म के लीड कास्ट में प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आने वाले हैं। क्योंकि यही दोनों लीड कैरेक्टर्स में हैं तो जरूर प्रभास ही श्याम बने हैं और पूजा हेगड़े राधा बनी है। लेकिन अभी तक मीराबाई के रोल के लिए ना तो कोई कन्फर्मेशन आई है और ना ही कोई कास्टिंग डिटेल्स हमें जासूसी करने के बाद ही मिल पाई है। लेकिन चर्चा है कि एक हीरोइन है जो मीराबाई के लिए एक पोटेंशियल चेहरा हो सकता है। दोस्तों, हीरो हीरोइन के बीच अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती मगर लव ट्राइंगल्स में सबसे मुश्किल काम होता है हीरो और हीरो या हीरोइन हीरोइन की कंपैटिबिलिटी को चेक करना। अब तक ये कामयाब लव ट्राइंगल्स जिन्हें लोग याद करते हैं उन सब में हमेशा से ही दो हीरोज या दो हीरोइंस के बीच रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। कुछ कुछ होता है, द ऑल टाइम क्लासिक लव ट्राइंगल स्टोरी में काजोल और रानी मुखर्जी थी, साथ में शाहरुख खान और सलमान खान भी थे। तब दोनों खान के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे और दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे, मानते हैं। माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ लव ट्राइंगल या टू हीरोइन प्रोजेक्ट्स में काम किया है। चाहे दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर के साथ हो, देवदास में ऐश्वर्या राय हो, ये रास्ते हैं प्यार के में प्रीति जिंटा के साथ हो, लज्जा में मनीषा कोइराला के साथ हो या मृत्यु दंड में शबाना आजमी के साथ, ये सारी फिल्मों में से कुछ ऑल टाइम क्लासिक रही हैं और कुछ अपने टाइम में कामयाब भी रही। सारे मल्टी स्टारर्स और लव ट्राइंगल्स में यही कॉमन होता है कि एक्टर्स एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। तो पूजा हेगड़े के साथ भी उसी एक्ट्रेस को लाना चाहिए जो उनके साथ स्क्रीन में अच्छी दिखे। दोनों अगर शाम के लिए कम्पीट कर रही हैं तो कोई भी दूसरे से कम नहीं दिखनी चाहिए। इंस्पिरेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है देवदास। माधुरी और ऐश्वर्या अलग अलग टाइम पे आते हैं, ना कि एक साथ देव की जिंदगी में, मगर फिर भी दोनों अपनी छाप अच्छे से छोड़ देती हैं स्क्रीन पर, और तब भी जब दोनों के सीन्स एक साथ थे। इस फिल्म के लिए हम पहले तो सजेस्ट करेंगे कीर्ति सुरेश को। कीर्ति ने महंती में भी जिन पार्ट्स में कृष्णा को मिमिक किया था वो देखने लायक हैं। फिर उनके बाद हम सजेस्ट करेंगे सामंता किनेनी का नाम। सामंता एक बहुत ही प्रख्यात अभिनेत्री हैं साउथ की और वो एक पैन इंडिया फिल्म डिजर्व करती हैं ताकि पूरा देश उनके टैलेंट को पहचान पाए। और अगर फिर भी बात नहीं बनती देन नित्या मेनन भी एक अच्छी चॉइस रहेंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं साई श्रेष्ठ दास। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।